हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 28 मई 2021 और आज की डेट पे एक मल्टी बैगर शेयर GMM फोडलर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट कैसे आया है वो तो हम खुद ही देखेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ GMM फोडलर ने यहाँ पे डिविडेंड भी रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे गलती से सेल मत करना। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम क्वार्टर फोर का रिजल्ट साथ में डिविडेंड का नोटिस बारीकी से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं GMM फोडलर की क्वार्टर फोर की कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। GMM फोडलर जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है, चलिए सबसे पहले हम क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम डिविडेंड की नोटिस के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन मिलियंस के फिगर पर लिखा हुआ है। मैं आपको करोड़ पर कन्वर्ट करके बताऊँगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। सबसे पहले ये करेंट क्वार्टर मार्च 2021 का रिजल्ट, यह है लास्ट क्वार्टर डिसंबर 2020 का रिजल्ट, और यह है लास्ट ईयर 2020 मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम, जो कि इस क्वार्टर में GMM फोडलर का टोटल इनकम हुआ है 474 करोड़ रुपए। ध्यान देना दोस्तों, पूरा का पूरा फिगर इन मिलियंस पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 474 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम हुआ है, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर 2020 की दिसंबर में कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 204 करोड़ रुपए। सीधे सीधे अगर बात बोले तो कंपनी ने डबल इनकम, डबल से भी ज़्यादा इनकम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, यानी लास्ट ईयर 2020 की मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 132 करोड़ रुपये का, जहाँ पे तीन गुना से भी दोस्तों ज़्यादा हो चुका है कंपनी का टोटल इनकम के अंदर। तो कंपनी का टोटल इनकम तो बहुत ही शानदार आया है। चलिए वो नीचे चल के देखते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, यानी खर्चा कितना हुआ है, जहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। देखिए, कंपनी का टोटल इनकम जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा है कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ये लेटर्स फेड है तो ध्यान से सुनना और समझना। टोटल एक्सपेंसेस आया है कंपनी का 461 करोड़ रुपये, जहाँ पर टोटल इनकम कितना हुआ था 474 करोड़ रुपये का, यानी कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी कम आया था 172 करोड़ रुपए का। तो यानी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर पे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया था 116 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर पे जिस रफ्तार से टोटल इनकम बढ़ा है उससे भी ज़्यादा रफ्तार से कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा बढ़ चुका है। चलिए अब हम नीचे चल के देखते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसे हम बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये वाला यहाँ पे कॉलम देखना, कंपनी का आया है इस क्वार्टर में लॉस में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट इंडिकेट करता है लॉस को। कितना लॉस हुआ है, 5,75,00,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ है कंपनी का, जो कि लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 23,11,00,000 रुपए के आसपास। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें भारी भरकम गिरावट दिखाई दिया। ये गिरावट के पीछे क्या रीज़न है अभी मैं आपको दिखाया कि कंपनी का टोटल इनकम ना जितना बड़ा उससे ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। इसके कारण उसके बाद जब टैक्स वगैरह लगता है वो टैक्स वगैरह लग के कंपनी ने लॉस ही यहाँ पे कमाया है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर 2020 की मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया था 11,59,00,000 रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर भी हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो कंपनी ने इस बार तो प्रॉफिट नहीं कमा पाया। चलिए अब नीचे चल के देखते हैं कंपनी का बेसिक एंड डायलूटेड EPS के अंदर हमें कैसा चेंजेस देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है साफ साफ। देखिए, बेसिक एंड डायलूटेड EPS इस क्वार्टर में है 2.84 का, बेसिकली ये पॉजिटिव में ही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 15.85 का एंड लास्ट ईयर पर था 7.94 का। यानी
टोटल इनकम को छोड़ के नेट प्रॉफिट और बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस के अंदर हमें शार्पली गिरावट देखने को मिला। बट रिजल्ट तो देखिए, रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। तो इसके कारण इसके यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला। बट एक चीज़ मैं आपको बता के रखना चाहूँगा, GMM फोडलर जैसे कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, तो इसके अंदर अगर आप शेयर उठा के बैठे हैं तो गलती से यहाँ पे सेल मत करना। और हो सकता है कि इसके अंदर गिरावट दिखाई दे या ना भी दे सकते, उल्टा भी हो सकता है। अगर गिरावट हुआ तो उस केस में आप यहाँ पे शेयर एक एक करके उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। चलिए अब हम देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने इस बार टोटल फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। GMM फोडलर का जो फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर, यानी ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर ₹2 का डिविडेंड दे रहा है, यानी अपने फेस वैल्यू के ऊपर टोटल 100% का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे रहा है। तो ये डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अभी कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, वो आगे हमें फर्दर नोटिस भेज के कंपनी का जब AGM हो गया एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों डिविडेंड तो ठीक ठाक दिया है कंपनी, छोटा मतलब देखिए कंपनी का ये सारे मल्टीबैगर स्टॉक है, और उसके साथ साथ ये जिस सेक्टर में काम करते हैं पर्टिकुलर ये सेक्टर में कोई भी कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करता। तो ₹2 का डिविडेंड दे रहा है तो बहुत ज़्यादा है। जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी का लॉस आया है, तो बात करूंगा दोस्तों GMM फोडलर के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकती है। उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। आज की डेट पे अगर बात करें तो करीबन 1.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला, और ये रिजल्ट आफ्टर मार्केट आया था, तो या इसका इफेक्ट हमें मार्केट के ऊपर अभी तक देखने को नहीं मिला था GMM फोडलर के शेयर प्राइस के अंदर, वो हमें मंडे को देखने को मिला था। अगर हम बात करें 6 महीने का, 6 महीने पे काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है GMM फोडलर ने, देख सकते हो 6 महीने पे 33% का दमदार रिटर्न दिया। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म का, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ, तो ये बहुत पुराना लिस्टेड कंपनी है नहीं, 2018 में मार्केट में लिस्ट हुआ था, आप देख सकते हो ₹702 में। तब से लेके अगर आज तक की बात करें कंपनी ने बहुत शानदार दिया दोस्तों, 2018 से लेके 2019, 2020, 2021, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में 620% का बम्पर रिटर्न दिया। बीच में ये शेयर तो दोस्तों और भी ज़्यादा चला गया था, देखिए 6000 के ऊपर चला गया था शेयर, देखिए। तो उसके बाद इतना ज़्यादा गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, जो इसके पुराने शेयर होल्डर हैं उनको अच्छे खासा मालूम है कि कंपनी के अंदर OFS आ गया था, और OFS इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आया था, 3500 इसका फ्लोर प्राइस रखा गया था OFS पे। तो उसके कारण यहाँ पे जो फ्लोर OFS के टाइम पे वो जो शेयर प्राइस 6000 में चल रहा था, वहाँ से लगातार गिर के शेयर प्राइस पहुँच गया था 3500 के आसपास। उसके बाद की अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और कुछ दिन पहले 5000 के ऊपर आज की डेट में पहुँच चुका है। अगर इससे गिरावट हुआ तो सबसे पहला सपोर्ट दोस्तों मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ₹5000 का लेवल, क्योंकि ये जो ₹5000 का लेवल ये सॉलिड सपोर्ट, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस हुआ करता था जो कि आज की डेट में सपोर्ट पॉइंट बन चुका है। बट अगर उसके नीचे गिरावट हुआ तो शेयर कहाँ तक गिर सकता है, उसके नीचे सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे ₹4500 में मिलेगा, उसके बाद 4000, मेरे ख्याल से ₹4500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ₹5000 के ऊपर ही सपोर्ट मिल सकता है। अब देखना यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ये शेयर में जम भी आ सकता है मार्केट ओपन होने के बाद। आज की डेट में कैसा कारोबार देखने को मिला तो यहाँ पर हम देख लेंगे, आज शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी भी देखने को मिला, 37% के ऊपर हमें डिलीवरी देखने को मिला है। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कि GMM फोडलर जो कि बहुत शानदार कंपनी है, इसके अंदर आप जितना डिप्स हो शेयर उठाते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगा, बहुत शानदार रिटर्न देके आपको बढ़िया रिटर्न देगा। और उसके साथ साथ आपके पास अगर शेयर है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।